सांसद राहुल गांधी को मंगलवार को पुराना सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन वापस मिल गया। संसद की हाउसिंग कमेटी ने राहुल की सांसदी बहाल होने के एक दिन बाद बंगला अलॉट किया। राहुल जब कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो उनसे बंगला वापस मिलने पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी 19 साल रहे। मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल 2023 को उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ा था। राहुल 12 और 13 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड भी जाएंगे। सांसदी बहाल होने के बाद यह उनका पहला वायनाड दौरा होगा। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने थे। तब तक वो अपनी माँ के साथ 10 जनपद स्थित बंगले में ही रहते थे। सांसद बनने पर 2005 में उन्हें पहली बार 12 तुगलक लेन वाला बंगला अलॉट किया गया था। यह दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित टाइप 8 बंगला है, जो हाईएस्ट कैटेगरी है। इस आलीशान बंगले में 5 बेडरूम, एक हॉल, एक डाइनिंग रूम, एक स्टडी रूम और एक सर्वेंट क्वार्टर है। राहुल गांधी इस बंगले में एक प्राइवेट गृह प्रवेश के बाद शिफ्ट हुए थे और इस सेरेमनी में सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट समेत उनके करीबी लोग ही शामिल थे। राहुल ने इसी साल 26 फरवरी को कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में बताया था कि मेरे पास कोई घर नहीं है। राहुल 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले को खाली करने के बाद 10 जनपद स्थित अपनी मां सोनिया गांधी के आवास में शिफ्ट हो गई थी। 12 तुगलक लेन से जुड़ा एक चर्चित किस्सा 2016 का है। उस वक्त हिमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो असम की समस्याएं डिस्कस करने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचे, लेकिन राहुल उस वक्त अपने पालतू डॉग के साथ खेल रहे थे। राहुल ने हिमंत पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसी से नाराज होकर हिमंत ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का 12 और 13 अगस्त को दौरा करेंगे। सांसदी बहाली के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। राहुल पिछली बार 11 अप्रैल को वायनाड गए थे, जहां उन्होंने रोड शो भी किया था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।